वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक जिन से। पिछले दिनों एक बेखबर सहाफी ने उनके इंतकाल की खबर जो थी वो पूरी दुनिया में फैला दी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा ऐनक वाला जिन के रकूटा जिन जनाब मुन्ना लाहौरी साहब। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? जय बीदा। अरे वाह, काम तो अनुभव च दसांगे, पहले इनू खाओ। ये खबर जब आपने सुनी तो आपने ये पढ़ी अखबार में, अपनी खबर पढ़ी? जब कांची से लाहौर आ रहा था तो मैं जब जहाज देखा, जहाज में बैठा मैं, मौसम साहब साथ ही आ रहे थे। पहली खबर यही पहले समय पे ये खबर थी कि कई लोग गए कई लोग नहीं गए, उसको आराम से दफना दिया गया। मैं तो बड़ा आराम है गया। सवारी ने मुझसे पूछा, आप तो जिंदा हैं, ये कैसे? मैं कहा भाई कुछ जहाज में वाक्य हो गया है। तो होस्टेस नु कहंदे पहले मेनू खाना देते, मैं तो मरिया। यो बात है कि जग दी रीत वक्री, ढंग अनोखे चालदे ने, पर जिउंदियां दी कोई बात नहीं पुछदा, कबरां ते दीवे बालदे। ये थोड़ा सा इन बच्चों को भी बताइए, हमारी यूथ को, ये पता नहीं फेमिलियर है कि नहीं है ऐनक वाला जिन से। है फेमिलियर है? देखा हुआ इनको बताइए, ऐनक वाला जिन के हवाले से बताइए, ये किरदार कैसे मिला? मैंने पूछा ये अमीन मरहूम साहब से कि ये किरदार किसने लिखा गया, कहाँ का ये किरदार है, कि मिस्र का एक पहलवान था जुकुटो, ये उसके नाम पे लिखा गया। मिस्र का एक पहलवान था जुकुटो, ये उसके उसे देख के लिखा गया जुकुटा। अच्छा, अब ये पॉपुलर हो गई, ये तरीका वहां से चला जी। फेम इतना मिला माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सर जो भी होता था वो यही इसी नाम पे जाता था, कोई नाम हो। सड़कों पे लोग आवाजें देते थे जुकुटा जिन कह के? हाँ जी बिल्कुल, आवाज देते थे, बल्कि जुकुटा लोग असेंबली में लिखा गया वो कारक, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, जय बीनाट, वो यहाँ असेंबली में भी लगे थे मेरे नाम पे। अच्छा, हाँ। और उदो ने खान लेने सारे असेंबली। हाँ, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, उन्हें तुम इसको खाओ, तुम इसको खाओ। आपकी कोई याददाश्त है जकुटा जिनके हवाले? घर में बहुत सुना इनका नाम कि जी बड़ी कमाल की चीज है वो, तो मैंने कहा मैं देखूं आखिर है क्या। यकीन कीजिए नुमान, इतना मजा आया इनको देख के और सुन के। तो वे ये कहते हैं ना कि मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, तो मैंने कहा इनसे कह दो कि क्रिकेट बोर्ड में जितनी गंद है उसको खा। रूफी साहब आपका इत्तेफाक है? बिल्कुल जी, बहुत देखा इनका, वो भी इनके साथ एक और भी होते थे, कोडू भी होते थे। हाँ, ये नहीं, आप लोगों का वो प्रोग्राम बहुत हिट गया है, वो आज तक लोगों को याद, आज तक लोगों को याद। मुन्ना साहब क्या कर रहे हैं आजकल, और क्या सेहत में कोई मसला है? नहीं, अब तो ये है कि आर्ट काउंसिल ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है जी। आर्ट काउंसिल एक ड्रामा करवा रही बकायदा आर्ट काउंसिल के बीच, हरिद्वार मैं जाना आर्ट काउंसिल, आज 3 बजे ड्रामा शुरू होता, 5 बजे तक कौन सा ड्रामा चलता है, फैमिलियां देखना आदि ड्रामे। मुन्ना साहब काम को कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि नमान शाह जी के खुदा के वास्ता मैं जीते जी ना मारे, हमें जिंदा रखे। मैं सिर्फ इनके लिए कहूंगा बल्कि सब अपने बुजुर्गों के लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। मुन्ना साहब कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, हम 6। ते जो बच्चे खर्चा मांगते आप गायब हो जाते। अच्छा, मैं आप चारों तीनों से पूछता हूँ कि वो मुन्ना भाई हमेशा कहते रहे हैं मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं, किस किस को खाना चाहिए? जेडे करप्ट लोग ने उन्होंने खा जाने के थे, मुल्क साफ हो जाए। रिश्वत रिश्वत खोर तो सारे खा जाने चाहिए। खा लो भाई, तो तुम फकी खुआ दें। बहुत सारी तालियां जी मुन्ना साहब के लिए।